उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शरपसंदों ने जुलूसों से लूटमार शुरू कर दी है और शरपसंदों ने जुलूस में शामिल होकर जुलूसों पर हमला करके डकैती की वारदात की। बदमाशों ने शादी की बारातियों को लूटना शुरू कर दिया और जख्मी कर दिया। खवातीन और लड़कियों से भी बदतमीजी की गई। शरपसंदों ने दुल्हे के मामू की उंगली काट दी। इस दौरान नसब दर्जन से ज्यादा बारातियां जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बदमाश बारात से दुल्हे के मामू से तलाई चांदी के जेवरात और 1,20,000 नकदी लूट कर फरार हो गए। बारातियों से डकैती की इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। हम लोग कानपुर से शादी में शामिल होने आए थे, हमारे भांजे की शादी थी। आदर्श कॉलोनी रेलवे फाटक के पास जैसे ही बारात पहुंची, हम लोग बारात लेकर पहुंचे, ऐसे ही वहां से 8-10 लड़के लूटपाट करने के लिए खड़े थे। उन्होंने पहले लड़की के साथ बदतमीजी की हमारी भांजी के, उसको हाथ वाथ मोड़ा, खींचा उसको बचाने के लिए। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे साथ भी मारपीट की। 1,20,000 रुपये नगद कैश, 2 गोल्ड की चैन है और बहू का मंगलसूत्र, अंगूठी, जो चढ़ावे का सामान था वो मेरे पति के पास था, वो सारा उनसे लूट लिया और उनको बहुत मारा। और यहाँ तक कि उनकी छोटी उंगली पूरी यहाँ तक काट ली, दांतों से उंगली नहीं है उनकी इतनी दिखाई दे रही है। वो हार्ड के और डायबिटीज के पेशेंट भी हैं। कहाँ पे हुई है? आदर्श कॉलोनी रेलवे फाटक के पास। नहीं सर, मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने जानकारी उसमें वीडियो में देखी है कि निकाली है, नाम उनका मुझे पता चल गया, नाम मैंने बता दिया है, यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखा दी है। अब ये है कि थाने वाले क्या कार्रवाई करते हैं। हमारा कल्याणपुर कानपुर। तो आप कहाँ आई हैं? यहाँ मुरादाबाद में, हम रेलवे मुरादाबाद, हम थाना सिविल लाइन में खड़े हैं। क्या? पुलिस कार्रवाई चाहते हैं कि पुलिस जिन्होंने हमारे साथ ये दुर्घटना की है उसके साथ पुलिस सख्ती से सख्त कार्रवाई करे, कार्रवाई चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हमारा माल वहाँ से वापस दिलवाया जाए। मैं आदर्श कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मेरे कानपुर से मेहमान आ रखे हैं और बहुत ही खास जो बोलते हैं उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्योंकि हमारी रात को बारात जा रही थी फाटक पे और फाटक पे ही इतना मामा को मारा धारा गया 10-12 बंदों ने और बहुत ज़्यादा उनके साथ लूटमार हुई। मामा के पास 1,20,000 रुपये रखे थे और क्या कहते हैं, दुल्हन का जेवर वेवर रखा था, सब मतलब कि ज़्यादा ही लूट लिया मामा को बिल्कुल से, क्योंकि मामा ही संभाल रहे थे। तो ये 12 बजे की घटना है रात की और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रात को दिक्कत हुई है। मामा को मारा, मामा की उंगली ये वाली काट दी है, पूरी काट दी है मामा की उंगली। और तर 5-6 लोगों को मारा गया है बहुत ज़्यादा। वो 10-12 लोग थे और हमें भी नहीं पता कहाँ से थे, लेकिन क्या हमारे मामा के साथ बहुत 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 ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया है, बहुत ज़्यादा मामा। मैं सिविल लाइन थाना पे आया हूँ, हमारी सुनवाई भी अभी नहीं हो रही है और जो बंदे हैं उन्हें नहीं लाया गया है, जो जो नाम है उन्हें नहीं लाया गया है। ये फालतू के जी, रात में आदर्श कॉलोनी सिर्फ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि 12 बजे के अराउंड बारात में कहा सुनी हुई है, जिसमें कि पुलिस अभी मौके पे पहुंची है और जांच की जा रही है, उनसे तहरीर प्राप्त कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। ऐसा हमें लिखित में नहीं मिला है अभी तक और पुलिस अभी मौके पर ही है और जिस तरह से उनसे तहरीर प्राप्त होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।